एक्सेल में ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। मैं आज आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि एंड फंक्शन से जुड़ा है, जिसको आप यूज करके बहुत बड़े बड़े काम को बहुत कम समय पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक शीट में एक दिखाऊंगा और एक शीट में और एक पार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या है। यह एक देखिए नेम चार्ट का एक शीट है, यहाँ पर बहुत सारे नाम है, ठीक है। अगर ये आपने यहाँ पर क्या लिखा है, सीरियल नंबर और एक है नेम, ठीक है। एक नंबर पे है रंजन शर्मा, रविन कुमार, ये सब नाम नीचे लिखा है, ठीक है। अगर आपका सर आके आपको बोलेंगे कि यहाँ पर SL नहीं लिखना चाहिए था, आपको श्री के साथ लिखना चाहिए था, मतलब श्री रंजन शर्मा, श्री रविन कुमार, अगर आप उसको मैनुअली करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप उसको मैनुअली करते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको श्री लगाना पड़ता था, ठीक है। ये एक बहुत बड़े काम है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आज आपको बहुत आसानी से उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा मैं आपको समझाऊंगा एंड फंक्शन से, ठीक है। तो देखते हैं उसको कैसे उसको किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊँगा, ठीक है। मुझे श्री रंजन शर्मा यहाँ पर लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले इक्वल टू देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, रंजन के पहले मुझे श्री लगाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर इन्वर्टेड कमा देना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर श्री टाइप करना है SRI, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं देते हो तो श्री और रंजन एक साथ में हो जाएगा, श्री रंजन हो जाएगा, ठीक है, उसके बीच में गैप नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक स्पेस दे दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड लगाना है, ठीक है, यहाँ पर एंड लगाना है। उसके बाद आपको वो जो नेम का जो फाइल है उसको क्लिक करना है, उस बॉक्स के ऊपर, सेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना है। देखिए आपका श्री रंजन शर्मा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये तो एक हो गया। अगर आपको श्री रविन कुमार ऐसे भी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करना है, सीधा ड्रैग कर देना है जितने तक आपका नाम है, ठीक है। देखिए ये आपका पूरी के पूरी नाम हो गया। अगर आप उसको मैनुअली करते होंगे तो कितने टाइम आपको लग सकता है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो नया वाला नेम फाइल है उसको रखना है, तो पीछे जो पिछले वाला जो है उसको मुझे हटाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो नया वाला है वहाँ पर कोई भी डाटा नहीं रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सेव करना पड़ेगा, ठीक है। उसको पहले सेव करना पड़ेगा, इसलिए मैं Ctrl+Z से उसको वापस ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर जाना है, उसको मुझे सिलेक्ट कर देना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद Ctrl+C से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर जाना है, यहाँ पर वैल्यूज पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ई वाला सेल है उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, मुझे यहाँ पर मुझे डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ एक इंडिपेंडेंट फाइल हो गया, यहाँ पर ये शो हो रहा है अब, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, नेम है, फ्रॉम है, यहाँ पर रंजन शर्मा फ्रॉम कोलकाता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर आपका बॉस या फिर सर आके बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर IM रविंद्र शर्मा या फिर IM रंजन शर्मा फ्रॉम कोलकाता, एक लाइन में मुझे ये चाहिए, अगर यहाँ पर 100 होंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे एंड फंक्शन से मैं उसको दो सीट को मैं जोड़ दूँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले क्या लेता हूँ, इक्वल टू लेना है, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, रंजन शर्मा से पहले IM लगाना है, यहाँ पर मुझे IM लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, स्पेस देना है, ठीक है। स्पेस देने से IM रंजन शर्मा से थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है, M और रंजन शर्मा के बीच में। उसके बाद इन्वर्ट कॉमा देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड।
उसके बाद जो रंजन समाज की सेल है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, फ्रॉम कोलकाता लिखना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर स्पेस देना है एंड, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस दे सकते हो कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्वर्टर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम लिखने के बाद एक स्पेस देना है, जैसे आई एम के बाद दिया था वैसे आपको यहाँ पर भी देना है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस देने के बाद आपको इन्वर्टर कॉमा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको ये जो फॉर्म वाला सीट है उसको क्लिक करना है एंड के साथ, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर आ गया आई एम रंजन शर्मा फ्रॉम कोलकाता, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए रंजन शर्मा और फ्रॉम के बीच में कोई स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए मुझे फ्रॉम से पहले एक स्पेस देना है। उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। देखिए एंटर प्रेस करने के बाद शर्मा और फ्रॉम के बीच में गैप आ गया है, ठीक है। अगर ऐसे सब के सब चाहिए तो आपको क्या करना है, पहला वाला सीट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर डबल डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर बाइट फाइल बड़ा हो तो उसको ऐसे ही कर देना सही होगा। देखिए यहाँ पर सारी की सारी जैसे मैंने मुझे चाहिए था वो सब आ गया है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक से आप इतना बहुत बड़ा काम को बहुत आसानी से कम समय में कंप्लीट कर सकते हो।